आज हम बात करेंगे बच्चों में आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो मात्र एक या दो शब्द गलत बोल रहा है। अगर किसी को आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है तो 3 से 4 मंथ में बच्चा पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। छोटी एज में ऐसे कोई भी शब्द जानबूझकर ना बोलवाए, उसी समय अगर करेक्शन कराएंगे तो बेटर होगा। मैं डॉक्टर मुरली सिंह, सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट, और मैं स्पीच थेरेपी के फील्ड में अप्रोक्सीमेट पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि पहले क्या करते हैं जो भी पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स बच्चों को खुशी खुशी उनको इनक्रेज करते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है। तो आर्टिकुलेशन के बारे में हम बताएंगे कि आर्टिकुलेशन क्या है। आर्टिकुलेशन में जैसा आपने देखा होगा कि शादियों के कार्ड आते हैं, शादियों के कार्ड में बोलते हैं मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना, जबकि हमें बोलना चाहिए मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना। तो उस समय बच्चे एक तोतली और उनकी आवाज़ होती है, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया बोल रहा है, पर लेकिन कुछ समय के बाद स्पीच में उनको दिक्कत हो जाती है और उसी के साथ साथ जो वो बच्चा बोल रहा है वह लिखना भी उसी को शुरू कर देते हैं। और ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो मात्र एक या दो शब्द गलत बोल रहा है, पर लेकिन ऐसा नहीं। जिस समय बच्चा हमारे यहाँ क्लिनिक पर आता है, बच्चे का हम एक फॉर्मली एक असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट में देखते हैं कि बच्चा किस किस वर्ड्स को गलत बोल रहा है। अब पेरेंट्स बोलता है कि मेरा बच्चा तो का गलत बोल रहा है, पर लेकिन जब हम यहाँ चेक करते हैं तो उसमें पता लगा कि का खा गा घा वो पूरी की पूरी लाइन ही उसकी गलत है। तो इसी तरह से अगर बच्चा चा गलत बोल रहा है तो चा छा जा झा ये पूरी लाइन ही गलत है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो बच्चे के अप्रोक्सीमेट 5 से 10 वर्ड्स उसके कम से कम गलत होते हैं, और उन 5 से 10 वर्ड्स में पूरा जब सेंटेंस बोलते हैं तो कम से कम आपको 25% या 50% स्पीच उसकी अनक्लियर होती है। तो उसको हम प्रॉपर ये बताते हैं कि बच्चे की टंग कहाँ पर प्लेस होगी और बच्चे के साथ किस तरह से आपको बात करना है, बच्चे के साथ किस तरह से वर्क करना है और टंग का मूवमेंट कैसे करना है। अगर हम प्रॉपर एक बच्चे को स्पीच थेरेपी कराएं तो अप्रोक्सीमेट अगर किसी को आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है तो 3 से 4 मंथ में बच्चा पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा, अगर उस प्रॉपर पेरेंट्स उसको फॉलोअप करें। अगर पेरेंट्स फॉलोअप करते हैं तो यह कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नहीं तो आने वाले समय में जैसे ही बच्चा 4 साल का 5 साल तक का है तो तब तक तो बच्चा समझ नहीं पाता। जैसे ही वो 5 साल से ऊपर की एज का हो जाता है और वो 6 साल 8 साल या 9 साल का होता है तो जो उसके सहपाठी उसके साथ के बच्चे होते हैं वो उसकी मजाक लेना शुरू कर देते हैं। उसी वजह से टीचर्स उसको क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर वह प्रेजेंटेशन करेगा तो बच्चे मजाक लेंगे और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल और वीक हो जाता है। छोटी एज में ऐसे कोई भी शब्द जानबूझकर ना बुलवाए, उसी समय अगर करेक्शन कराएंगे तो बेटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा 4 साल के बाद या 3 साल के बाद अगर दिखाई दे रहा बच्चे को मिसआर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है तो तुरंत स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाइए। उसमें भी मिसआर्टिकुलेशन में भी एक है सोडा, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोर्शन और एडिशन। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन की होती है। तो अगर किसी के बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाए। स्पीच थेरेपिस्ट आप अपनी कुछ एक्सरसाइजों के द्वारा कहाँ पर टंग का प्लेस कराना और किस किस तरह से बच्चे को के किस किस टेक्निक से काम करेगा वो सारा आपको बताए गए। हमारे दिल्ली में 3 सेंटर है, गगन विहार, वेस्ट पंजाबी बाग और ग्रेटर कैलाश। तो आप जब भी कभी आए तो आप जिस क्षेत्र में किसी को प्रॉब्लम है तो वो इन सेंटरों पे आके अपनी सेवा ले सकते हैं और यहाँ पर असेसमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।